हेलो माय डियर वंस, दिस इज अनमोल सचदेवा। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग योर करियर। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बच्चों की, पेरेंट्स की कॉल आ रही थी, क्वेरीज आ रही थी भी सर हम कौन सी स्ट्रीम देना है। तो उनमें से मुझे एक कॉमन से जो कुछ फैक्ट्स मिले देखने को, तो वो यही थे भी उनकी ना बड़ी सोच आजकल बहुत लिमिटेड सी हो रही है कि अपने पास सर मेडिकल करनी है तो MBBS करवाएंगे, BDS करवाएंगे, नॉन मेडिकल में सर इंजीनियरिंग करवानी है, कॉमर्स के अंदर सर CA बनना है, और जो अपने पास लॉ आर्ट्स की बात करें तो सर हमने LLB तो कर ही लेनी है। तो सिर्फ पहली बात तो क्या है, सिर्फ आपके पास यही स्ट्रीम्स नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, बहुत सी फील्ड है जहाँ पर आपका बच्चा हुनर दिखा सकता है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पूरा उसका चार्ट दिखा दूंगा, बहुत से स्कोप है आपका जहाँ पर आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। बट एक सक्सेस हासिल करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके मन में आ रहा होगा, हार्डवर्क। तो हार्डवर्क तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, नो, हार्डवर्क नहीं सर, हार्डवर्क इन अ राइट डायरेक्शन। अगर एक राइट पाथ के अंदर आप हार्डवर्क करोगे देन यू विल डेफिनेटली गॉट सक्सेस। तो एक राइट पाथ क्या है, राइट पाथ वही है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ आप इंटरेस्ट के साथ करोगे, जहाँ पर आपको कंसंट्रेशन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। बट आजकल के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात करें, आप डोमिनेंट सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं आप, तो जहाँ पर क्या है, एक अगर मोहल्ले के अंदर एक लड़के ने CA कर ली तो सारे बच्चों को बोला जाता है भी तू CA कर ले, वो देख उसने CA कर ली इतनी अर्निंग कर रहा है, वो देख तू इंजीनियरिंग कर ले। तो आपने पहली चीज़ इंपॉर्टेंट अपने ध्यान में रखनी है, दूसरों को देख कर अपने बच्चे के ऊपर आपने अपने सपने नहीं थोपने हैं। आप देखिए आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल कितनी है, वो कर क्या सकता है, उसके अंदर क्या हासिल करने की काबिलियत है, आप उसी को लेकर ही आपने अपने बच्चे को कोई भी जो फील्ड में है उतारना है। बाकियों को देखकर आप ना करेंगे तो बेटर है, 60 वाट के बल्ब के अंदर आप 100 वाट की रोशनी निकालने की कोशिश करोगे तो वो खराब ही होगा ही देगा, आज नहीं तो कल वो चीज आपको हर्ट करेगी। तो अभी आपने क्या करना है, पहले उस बच्चे के पोटेंशियल को पहचानिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसके अंदर, आप बैठिए अपने बच्चों के साथ, पूछिए भी तो कर सकता है क्या नहीं कर सकता। और मेरी बच्चों से गुजारिश है, आप अपने पेरेंट्स को जो दिखाओगे आ जाएंगे, आपके पेरेंट्स वही मानेंगे। आपके पेरेंट्स सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी और टाइम, पर जो पढ़ना है वो आपने खुद ने पढ़ना है। आपके पेरेंट्स को नहीं पता भी हाँ भी आपके अंदर पोटेंशियल कितनी है। तो आपने भी करना क्या है, जो चीज़ जो फील्ड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं है, उस फील्ड के अंदर जो उतरे हैं उन्होंने कुछ गेन किया है, उनसे मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, पूछिए भी आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, सफ़र कैसा रहा। मंजिल नो डाउट बहुत खूबसूरत होती है, बट सफ़र को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, हर कोई अमरनाथ नहीं पहुँच सकता। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस सफ़र को जानना और अपने आप से पूछना क्या मैं ये सफ़र तय कर सकता हूँ। इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप ये मत सोचिए भी हाँ भी यार मैं कर नहीं सकता तो आप कमज़ोर हैं, नहीं, हर कोई बंदा हर कोई इस काम के लिए नहीं बना होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल छिपी होती है, आपने सिर्फ वही पहचान कर उसी फील्ड के अंदर आपने लग जाना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए और पेपर पेन लीजिए, आप ऑप्शंस देखिए आपके पास क्या क्या फील्ड्स हैं जो आप चूज़ करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, देन जो आप चूज़ करें फील्ड को उस पर्सन के साथ, अगर आप CA बनना चाहते हैं तो एक CA के साथ कंसल्ट करें ले, देन स्टूडेंट्स आपका काम वहीं पर स्टार्ट हो जाता है खुद को डेवलप करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ कंसंट्रेशन, आपने कंसंट्रेशन की जो क्वालिटी है अपने अंदर डेवलप करनी है। आपने आपके रास्ते के अंदर बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, जो कुदरत है वो परीक्षा लेती है आपको कुछ भी देने से पहले, कुदरत कुछ भी आपको देती नहीं है, वो आपको लौटाती है। जो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। तो आप खुद के अंदर अभी इतनी क्वालिटी आप पैदा कर लीजिए भी आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो, आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें और पूरी हिम्मत के साथ, पूरे एक फोकस के साथ आप अपने गोल को हासिल करने के लिए लग जाइए। सो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, अनलेस यू चेंज हाउ यू आर यू विल ऑलवेज हैव व्हाट यू गेट। तो आप जब तक अपने आप खुद के अंदर चेंजेस नहीं लेके आते, आप उसी तक सीमित रहेंगे जो आपके पास है। सो ग्रो करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।